ये AGS ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी। अविनाश जी, AGS ट्रांजेक्ट 2022 की शुरुआत की ये लिस्टिंग है और लिस्टिंग के बाद निवेशकों काफी निराशा हुई थी, मतलब 65-70% उनकी पूरी की पूरी वेल्थ उड़ गई थी। अब थोड़े से रिकवरी वाले फेज में ये शेयर दिख रहा है और जिन्होंने अगर मार्च में लिया होगा उनके तो बल्ले बल्ले हैं, डबल हो गया है। इसका भविष्य आप किस तरह का देख रहे हैं सर, और क्या निवेश के लिए ये ठीक है कंपनी? अभिषेक जी, ये जो कंपनी है इसने आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया था। मुझे याद है इसका आईपीओ प्राइस 175 रुपीज था और उसके बाद अभी भी ये शेयर उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर चुका है। तो देखिए, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो शेयर होल्डर है वो तो अभी भी घाटे में है। रही बात सेकेंडरी मार्केट के लिए, 50 रुपए तक ये स्टॉक आया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना प्राइस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका था। बट स्लोली स्लोली कंपनी रिकवर हो रही है। एटीएम मैनेजमेंट के स्पेस में, डिजिटल मैनेजमेंट में, पेट्रोल पंप्स पे जो इनका जो अरेंजमेंट है, सॉफ्टवेयर जो चलता है, ये डेफिनेटली काफी अच्छा है। बट कहीं ना कहीं एग्जीबिशन को लेके इस कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखाया। अभी कंपनी को हाल ही में कुछ 1000 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देखिए, नैरेटिव और ऑर्डर बुक तो काफी अच्छी है, लेकिन एग्जीबिशन कितना स्विफ्टली ये कंपनी करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप दूसरे कैश मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, जैसे सीएमएस इन्फो है, उसके बाद रेडिएंट है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये कंपनीज भी कॉम्पिटिंग प्लेयर्स है, लेकिन वहां पे एग्जीक्यूशन AGS ट्रांजैक्ट से काफी अच्छा है। तो इस लेवल पे अगर किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम 12 से 18 महीने का रखिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि स्टॉक आगे कैसा रिरेट होगा। हालांकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि अगला क्वार्टर, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा, वहां पे डेफिनेटली एग्जीक्यूशन उम्मीद से काफी बेहतर आएगा। क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत मॉडरेट ग्रोथ दिखाया, जो मार्केट को शायद पसंद नहीं आया था, और उसी लिए शेयर में भारी पिटाई भी हो चुकी थी। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी अगर 1992 में कोई लेता है तो कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि एग्जीक्यूशन अगर आगे बढ़ता नहीं है या इंप्रूव नहीं होता तो फिर रीरेटिंग होने में थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, कम से कम 12 से 18 महीने का आप नजरिया रखें AGS ट्रांजेक्ट में। कंपनी की बाकी स्थितियां ठीक हैं, आप देखिए क्लाइंटेल ठीक है, शेयर चला भी ठीक है, वैल्यूएशन भी बढ़िया है, ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन एक शब्द सब चीजों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना होगा।